अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। शहर में एक महिला को कोरोना संदिग्ध मानते हुए जेएलएन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार महिला को श्वास लेने में परेशानी थी, जो कि स्थानीय डिस्पेंसरी पर पहले पहुंची, जहां से 108 की मदद से जेएलएन अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवा दिया गया है। आपको जानकारी मिली क्या हुआ सर? ये एक आज लेडीज सुबह हॉस्पिटल के अंदर पुलिस लाइन हॉस्पिटल के अंदर आई थी, सांस की ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, फीवर की नहीं थी, न खांसी थी, सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, न बैठ पा रही थी, न तो मैंने इसको अर्जेंट इसको जेएलएन रेफर किया था हॉस्पिटल से। फिर ये वहाँ से हॉस्पिटल से निकली, हॉस्पिटल के बाद ये वापस सोचा कि मैं घर जाके आऊँगी, फिर वापस मैं घर से चले जाऊँगी जेएलएन। तो ये क्या घर से जाके खाना खा कर आई तो, और वो ये शॉपिंग सेंटर के आसपास शास्त्री नगर में आके गिर गई और सांस में ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, तो अड़ोस पड़ोस ने वापस कंट्रोल रूम में फ़ोन करा कि यहाँ पे एक लेडीज़ है जिसको सांस में दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने 108 इनको कॉल किया। तब से वो लेडीज़ फिर मेरे वापस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, तो मैं अचानक 11 बजे करीब फ़ोन आया था, तो मैं शास्त्री नगर में यहाँ दिखा तो इसके रियल में यहाँ उसको दिक्कत आ रही है सांस में, और इसको मैंने कहा कि सुबह आपको रेफ़र किया गया था तो क्यों नहीं गए, तो कह रही थी मैं अकेली हूँ, मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं है, और 108 को इन्होंने कॉल कर दिया था।